दोस्तों आज की कहानी है बहू, ये लो तुम्हारे और तुम्हारी सहेलियों के लिए शाही। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। युक्ति ने अपनी सास सावित्री जी से कहा, माँ जी आपको पता है हमारी सोसाइटी में ही मेरी सहेली सौम्या भी शिफ्ट हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सावित्री जी ने कहा। युक्ति अपने ससुराल में अकेली बहू थी। ससुराल में सिर्फ सास ससुर पति अनुज और एक ननद थी जिसकी शादी हो दुखी थी। पूरा परिवार बहुत ही समझदार था, सब एक दूसरे को महत्व सम्मान और प्यार देते। युक्ति और सावित्री जी का रिश्ता सास बहू से बढ़कर माँ बेटी जैसा था। सावित्री जी जितना प्यार अपनी बेटी को करती उतना ही युक्ति को भी। शादी के एक साल हो चुके थे, युक्ति बहुत उस थी। एक ही सोसाइटी में रहने से अब दोनों सहेलियों का मिलना जुलना लगा रहता। कभी मूवी, कभी शॉपिंग, कभी किटी। सावित्री जी को इन सब बातों से कोई एतराज भी नहीं होता। सावित्री जी ने इस बीच महसूस किया कि युक्ति का व्यवहार कुछ बदलने लगा था। वो पहले से उदास और बात बात सिड़सिड़ापन उसके व्यवहार में झलकने लगा था। बातों का जवाब भी अब सिर्फ हाँ या ना में ही देती। एक दिन अनुज और युक्ति में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, तभी सावित्री जी के कानों में युक्ति की बात सुनाई पड़ी। इस घर में सिर्फ हर पल मुझे ही समझौता करना पड़ता है, सिर्फ मेरे काम के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। सिर्फ हर चीज की परमिशन मैं लूं, बाकी जिसकी जो मर्जी आए कर सकता है, युक्ति ने कहा। देखो युक्ति, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुमको क्या हो गया है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी मीटिंग है, मैं अभी घूमने नहीं जा सकता, तुम नेक्स्ट मंथ रख लो। सौम्या को बोल देना कभी और प्लान कर ले ट्रिप। सावित्री जी माजरा समझ चुकी थी, वो सुप साप से अपने कमरे में लौट गई। अगली सुबह सावित्री जी ने युक्ति से कहा, बेटा तुम्हारी सहेली को कभी घर पर बुलाओ। युक्ति ने सिर्फ हम कहा और बुदबुदाते हुए वहां से चली गई। उसी दिन शाम को सौम्या उसके घर आई। दरवाजा सावित्री जी ने ही खोला और युक्ति को आवाज लगाई, आओ बेटा अंदर। जी आंटी जी। अरे सौम्या तू क्यों आई, मुझे बुला लिया होता, युक्ति ने कहा। क्यों मैं नहीं आ सकती, आज इनकी छुट्टी थी तो सोचा तुझसे मिल लूं और पूछ भी लूं कि तू चल रही है ना ट्रिप पे। सौम्या ने कहा, हाँ कमरे में चल के बात करते हैं। युक्ति तू मुझे कुछ उदास लग रही है, कुछ बात हुई क्या? सौम्या ने कहा, नहीं यार बस ऐसे ही थोड़ा मूड खराब था। वो सौम्या हम लोग ट्रिप पे नहीं जा पाएंगे, इनको कुछ काम था ऑफिस में। युक्ति ने कहा, अच्छा मुझे तो देख के ही समझ में आ गया था माजरा। सौम्या ने कहा, मतलब? युक्ति ने कहा, एक बात बता, तू सास ससुर के साथ कैसे रह लेती है, तुझे बंदिश नहीं लगती? मैंने तो साफ साफ इनको मना कर दिया था, सारी आजादी छीन जाती है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती, हर काम में परमिशन और उनका मुंह देखते रहो बस, क्योंकि आखिर में समझौता सिर्फ हम बहुओं को ही करना पड़ता है और शायद तेरे मना करने की वजह भी यही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है,
सोमिया, मेरी माँ पापा जी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझ में और मेरी ननद में भी कभी कोई फर्क नहीं करते। युक्ति ने कहा, देख युक्ति तेरा तो पता नहीं लेकिन मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि रिश्ते कभी भी सिर्फ और सिर्फ प्यार के ही सहारे नहीं चल सकते, वो भी बात जब ससुराल के रिश्तों की हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की नजरों में ये रिश्ते खड़े तो प्यार के पैरों पर होते हैं, लेकिन उम्र का सफर समझौते की बैसाखी के सहारे ही तय करते हैं। शुरू शुरू में ये सब पति, सास, ससुर, ननद सभी रिश्ते प्यार के रंग में ही रंगे होते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही प्यार का रंग उड़ जाता है और रिश्तों को खूबसूरत दिखाने के लिए समझौते का रंग सड़ाना पड़ता है। प्यार की बजाय समझौते ही मजबूत होता है और जिंदगी भर आखिर में बहू के कंधों पर इन रिश्तों को बांधे रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। सावित्री जी ने सोम्या की सारी बातें सुनी और साय नाश्ता लेकर दरवाजे को खट खटाकर बोली, युक्ति साय बेटा, माँ जी आप युक्ति सौंक गई। हाँ बेटा, लेकिन आपने इतनी मेहनत क्यों की, तो क्या हुआ, मेरी सहेलियां आती हैं तो तुम भी तो करती हो ना, तो आज मैंने भी वही किया। सोम्या, तुम्हारी साई में कितनी समस्या सिन्नी डालनी है। आंटी जी, मैं बिना शक्कर की साई पीती हूँ। क्यों, वो आंटी जी शक्कर से फेट अड़ता है और फेट फ्री रहना आज के जमाने में फैशन की डिमांड है। लेकिन बेटा, मेरा तो मानना है कि साय अगर मिट्टी ना हो तो मजा नहीं आता। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे पता है निश्चित मात्रा में खाया गया मीठा सेहत के लिए अच्छा होता है। शरीर में हर चीज की निश्चित मात्रा तय है, ना ज्यादा ना कम, और वैसे भी ज्यादा डिमांडिंग होना भी अच्छी बात नहीं। हम जब ज्यादा डिमांडिंग होंगे तो रिश्तों और जीवन में हमेशा कड़वाहट व दूरियां ही हासिल होगी। क्यों युक्ति, सही कहा ना बेटा। सोम्या, अब मैं सीधे तुम्हारी बात पर आती हूँ। तुम्हें पता है रिश्तों में सिर्फ डिमांड करने से काम नहीं चलता। रिश्तों में अगर प्यार और सम्मान चाहिए तो प्यार और सम्मान देना भी पड़ता है। सिर्फ डिमांड पर डिमांड करना नहीं चाहिए। अब वो रिश्ता चाहे मायके का हो या ससुराल का या सास बहू का हो या फिर कोई और ही ना हो। अभी तुमने थोड़ी देर पहले युक्ति से कहा कि ससुराल में सिर्फ बहू को ही समझौता करना पड़ता है, तो शायद तुम्हें ये बात नहीं पता। किसी अपने की खुशी के लिए उसकी कोई बात मान लेना समझौता नहीं, सहज संपन्न होता है। मगर शायद तुमको समझौते और संपर्ण के बीच का अंतर ही नहीं मालूम। संपर्ण परिवार या रिश्तों में आपसी सामंजस्य और सहमति से होता है, उससे परिवार और रिश्तों में प्रेम बना रहता है। लेकिन अगर तुम रिश्ते में समझौते की बैसाखी थाम लोगी तो दोष तुम्हारा है, रिश्ते का नहीं। कभी भी ससुराल ओ या मायका या कोई दूसरा रिश्ता किसी भी एक व्यक्ति से नहीं बनता, ना कोई एक व्यक्ति इसे निभा सकता है। बेटा, परिवार या किसी भी रिश्ते को बनाकर रखने में घर की हर सदस्य को समझौते और संपर्ण करने पड़ते हैं। बिना सबके सहयोग किए हम कोई रिश्ता नहीं बन सकता। युक्ति और सोम्या की नजरें झुक गई। उनको बात समझ में आ चुकी थी कि सावित्री जी क्या कहना चाह रही थी। युक्ति अपनी सास के गले लग के बोली, हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे माफ कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।